ग्रीटिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश वर्ल्ड एंड मोटिवेशन में। कि जैसा कि नाम हमारे चैनल का मोटिवेशन, इंग्लिश और मोटिवेशन, तो आज मैं इंग्लिश ना करा के आपको एक मोटिवेशन जो है कि वीडियो जो है आपको डाल रहा हूँ। और हमारा टाइटल रहेगा टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे ज़रूरी है इस दुनिया में, सबसे ज़रूरी है जो टाइम। और जो टाइम की वाली जो समझेगा वही जीवन में सक्सेस होगा। क्योंकि जितने भी लोग हुए हैं, आप पास्ट में झांक कर देखते, जितने स्कॉलर्स हुए हैं, जितने भी मतलब विद्वान हुए हैं, उन्होंने टाइम की वैल्यू को जाना है। और जो टाइम की वैल्यू को जानते हैं ना, वही सक्सेस होते हैं। जिन्होंने समय की कदर को नहीं जाना ना, वो सक्सेस नहीं होंगे। जैसे कहावत भी है, समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती। तो हमें उसके साथ चलना, वो हमारे साथ नहीं चलेंगे, हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे ना, तो वो ऐसे ही जो है चलता जाएगा और हम जो है पिछड़ जाएंगे। तो बात आती है कि टाइम को हम कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। तो आज के जो कुछ टिप्स रहेंगे हमारे, वो टाइम मैनेजमेंट के रहेंगे। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप जो है अपने टाइम को देख पाएंगे कि कहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और कैसे मैं टाइम को मैनेज करूँ। सबसे बड़ी बात है तो मैनेज करना। हमारे माइंड में चलता रहता है कि यार टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन हम ये सोचते हैं कि टाइम क्यों नहीं मिल पाती, कभी नहीं सोचते हम, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन उस टाइम को अगर हम मैनेज करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप जीवन में जरूर सक्सेस होगे और अपना जो आपका टाइम है उसको आप मैनेज कर पाएंगे। तो आइए कुछ टिप्स हम के, और 5 टिप्स जो आपसे शेयर करूंगा। टिप्स तो काफ़ी हैं, लेकिन 5 मेन टिप्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। तो आइए हम चलते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर टिप्स ऑलरेडी लिख के रखे हैं ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ। देखिए, हमारा टॉपिक रहेगा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड नो हाउ टू यू आर स्पेंडिंग। देखिए, मेन बात है कि हमें सबसे पहले इसकी मेन क्या है, रीजन। इसको मैं कहूंगा यहाँ पे रीजन, ठीक है। हम यहाँ पे रीजन ढूंढेंगे कि टाइम को हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हम कहाँ पे उसको वेस्ट कर पा रहे हैं। उसके रीजन ढूंढेंगे कि नो हाउ यू आर स्पेंडिंग, कि समय को हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हैं। हम अपने फालतू की चीज़ों में जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम जो गपशप मारने में दोस्तों के साथ वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम कई बार रील देखते हैं, ऐसे रील देखते चले जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, ठीक है। तो ये रीज़न आपको ढूंढने पड़े। आज के टाइम पे सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल फ़ोन। देखिए, मोबाइल फ़ोन यूज करिए, आज के टाइम की डिमांड है और हम कर सकते हैं। इसमें ज्ञान भरा पड़ा है, मोबाइल में ज्ञान भरा पड़ा है, उसे आप ज्ञान लीजिए, लेकिन उसको भी एक लिमिट में लीजिए। आप उसको टाइम मैनेजमेंट रखिए कि मान लो मैं उसको 1 घंटा दूंगा, मान लो 1 आवर दूंगा या फिर 1.5 आवर दूंगा, दैट्स इनफ। अगर उसके ऊपर आप कुछ काम करते हैं, जैसे मान लो आप कोई यूट्यूब चैनल है आपका, कोई काम करता, फिर आप स्पेंडिंग करिए उसके ऊपर। अदरवाइज जो है आप 1 या आधा घंटा आप स्पेंड करिए उसके ऊपर एज ए एंटरटेनमेंट। बल्कि मैं तो 1 घंटा भी ज़्यादा आपके ऊपर, आधा घंटा उस पर स्पेंड करिए, अदरवाइज नहीं स्पेंड करिए, तो आपको रीजन पता लगे कि यहाँ पे स्पेंड करे हैं। दूसरा है कि दोस्तों के साथ, मान लो दूसरा रीजन आइए इसमें फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, जो खासकर जो युवा बच्चे होते हैं, उनका टाइम बड़ा मैनेजमेंट हो की जरूरत होती है। क्योंकि वो जो अपना जो टाइम होता है ना, वो इन 2 चीज़ों में स्पेंड करते हैं, या तो मोबाइल फोन में और या फिर फ्रेंड्स के साथ। इनके ये 2 ही होते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन और फ्रेंड्स। तो इन, अगर आप टाइम जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं कहूँगा छोड़िए, लेकिन उसको मैनेज करिए। फ्रेंड के, मैं नहीं कहूँगा फ्रेंड को छोड़िए, नहीं, फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं हमारे फ्रेंड, और हम उसके साथ में रहना चाहिए, हमें अपने दिल की जो बातें शेयर करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। अपने फ्रेंड को देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि समय नहीं देते तो फ्रेंड नाराज़ हो जाएंगे, नहीं होंगे। उसको समझाइए, भाई हम ये गपशप कर रहे हैं ना, ये हमारा पढ़ने का टाइम है, ये हमारा कुछ करने का टाइम है, तो आप भी और मैं भी, उसको साझी बात करिए कि आप और मैं दोनों मिलकर टाइम को मैनेज करेंगे, ठीक है। आप भी अपना टाइम कम लगाइए, मैं भी, एक दूसरे को समझाइए, और आप, मैं गारंटी देता हूँ आपका फ्रेंड बुरा नहीं मानेगा आपका। वो कहेगा यार बात तो सही है, हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्यों ना ये टाइम हम अपने पढ़ाई में लगाएं। तो अपने फ्रेंड को समझाइए और टाइम को मैनेज करिए कि भाई हम आधा घंटा ही बात करेंगे, ठीक है, और आधा घंटा ही जो है हम अपने मोबाइल फ़ोन पर देंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम, सोचिए, अब मान लो आपने 2 घंटे फ्रेंड के साथ बिताए, 2 घंटे आपने मोबाइल के साथ, तो 4 घंटे हो गए ना आपके, 4 घंटे हो गए ना। तो 4 घंटे की बजाय अगर आप आधा आधा घंटे करेंगे, तो आपका 1 घंटा वेस्ट हो, कितने बचे आपके 3 आवर्स। अगर 3 आवर्स की आप स्टडी करेंगे, या आपने कहीं भी वैल्यूएबल टाइम को उसमें लगाएंगे, जो आप कर रहे हैं, जो आपका एम है, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर।
सेकंड है डेली शेड्यूल। ये पॉइंट क्या कहता है, देखिए ये पॉइंट कहता है कि डेली शेड्यूल बनाए अपना। क्या बनाए? डेली शेड्यूल, कि डेली लिखे कि मेरा ये काम है। आप ना कई बार हम सुबह उठते हैं, मान लो किस दिन छुट्टी होती है, मान लो डेली का रूटीन तो स्कूल जाना होता बच्चों को, तो स्कूल चले जाते हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी पे चले जाते हैं, उनका रूटीन है। लेकिन उसमें भी जैसे आने के बाद आपका जो टाइम है उसकी मैनेजिंग नहीं करते हम। हम सोचते हैं हमें क्या करना है, फिर हमको चलो थोड़ी देर खेल लेते हैं, चलो थोड़ी देर मोबाइल फ़ोन यूज कर लेते हैं, तो हमें पता नहीं लगता टाइम का। तो डेली आपका शेड्यूल होना चाहिए, मतलब आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आने के बाद जो आपका फ्री टाइम है, मैं उस पर प्रायोरिटी लिखिए कि फर्स्ट टाइम पे मैं ये वर्क करूँगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। फर्स्ट काम को मैं जैसे मैं 30 मिनट दूंगा, इसको मैं 40 दूंगा, इसको मैं 1 आवर दूंगा, इसको मैं आधा घंटा दूंगा। तो ऐसे आप ना अपने जो काम की जो प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंग रखिए। पढ़ते हैं तो अपने सब्जेक्ट के रखिए, मैं इतने घंटे इस सब्जेक्ट को दूंगा, इतनी मिनट इस सब्जेक्ट को दूंगा, इतनी मिनट इस सब्जेक्ट को दूंगा। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी आप, या आप कोई अपना और वर्क कर रहे हैं, कोई भी जो प्रोफेशन लोग हैं वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं कि मैं इस वर्क के लिए इतना टाइम दूंगा, इसके लिए मैं इतना टाइम दूंगा, इसके लिए मैं इतना टाइम दूंगा। अपने अकॉर्डिंग आप अपने लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज। तो प्रायोरिटाइज में हम क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज में हम यहाँ पे ये करेंगे, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। और प्रायोरिटाइज में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, प्रायोरिटाइज मतलब प्रायोरिटी, उस चीज की पहल। पहल हम कैसे करें, पहल हम कैसे करें, जैसे मान लो पहल है किस चीज की, मान लो आपने पहल, आप उसमें ये लिख लीजिए 1 2 3 4 कि आपने पहले काम कौन सा करना। मान लो आपने स्टडी करनी है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट में मैं करूंगा स्टडी, ठीक है, स्टडी करूंगा पहले नंबर पे, स्टडी मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, स्टडी लिखोगे आप। फिर आप लिखोगे मान लो कोई आपका टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप लिख सकते हो मेरा टेस्ट, अभी मैं टेस्ट की तैयारी करूंगा, फर्स्ट आ गया। उसके बाद मान लो आपको मार्केट जाना, फिर आप लिखेंगे मार्केट जाना मेरे को, ठीक है, आप मार्केट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लगता है कि आपको जो बार खेत में जाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसके बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद जो है मैं अपने खेत में जाऊँगा, तो आप खेत के लिए यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं अपने फील्ड में जाऊँगा, फील्ड है खेत, कुछ भी हो सकता है आपका, मार्केट फील्ड भी हो सकता है आपका, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हूँ। तो ऐसे आप प्रायोरिटी कर सकते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, ठीक है। और एक और बात, जो काम ज़्यादा आसान होता है ना पहले आप उसको लिखिए, क्योंकि आपके जो 5 काम है, 5 काम में से जो जल्दी बनने वाला काम है मैं कहूँगा पहले वो करिए आप, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके मान लो 3 काम जल्दी, 2 काम जल्दी बन जाते हैं आपके, मान लो आधे घंटे में 2 काम हो जाते हैं, तो आप ये रहेगा 2 काम तो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, कितने बचे, केवल 2 वर्क, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले आप इजी टास्क को करिए, इजी टास्क को, ठीक है, फिर उसके बाद जो थोड़ा लेंथी टास्क है फिर आप उसको करिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सेट रीजनेबल टाइम लिमिट। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, टॉपिक हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब ये नहीं सेट रीजनेबल टाइम मैनेज, जो मैंने इसमें समझाई है वही से रिलेटेड बातें हैं कि जो काम आपको करना उसके टाइम सेट करिए। मान लो आपने स्टडी करनी है तो आप सेट करिए कि मान लो मैंने ये चैप्टर है और इस चैप्टर को मैंने 1 आवर में ही कंप्लीट करना है, 1 आवर में कंप्लीट करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठ जाते हैं, माइंड हमारा कहीं और होता है, हम सोचते रहते हैं फिर हम लौट, अरे हमने ये क्या कर दिया, हम फिर लौट के आते हैं, हम क्या सोच रहे थे। आपको स्टडी में टाइम लगा है 1 आवर, लेकिन आपने लगा दिया 1.5 आवर या फिर 2 हाफ, ठीक है, तो उसमें आपका डबल टाइम लगेगा। तो आप टाइम भी सेट करिए कि इतने टाइम पे मैंने जो है ये काम कंप्लीट करना है, तो ताकि आपका नेक्स्ट शेड्यूल बचे। जैसे आपकी मान लो जैसे स्कूल में जाते हो आप, स्कूल में क्या होता है पीरियड लगते हैं, 40 मिनट्स की पीरियड लगती है, तो टीचर को उसी के अकॉर्डिंग काम कराना होता है कि मैंने 40 मिनट्स में ये चैप्टर इतने तक कराना है, तो वो प्लानिंग होती है। तो यहाँ पे आप प्लानिंग करेंगे कि इतने टाइम पे मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर बात आती है ब्लॉक आउट द डिस्ट्रैक्शन, सबसे मेन बात है ब्लॉक आउट द डिस्ट्रैक्शन। अब आपको जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये इससे रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट से, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको बिल्कुल ब्लॉक आउट कर दीजिए। जो फ्रेंड बार बार आपको कॉलिंग करते हैं उसको ब्लॉक आउट कर दीजिए, ठीक है। जो आपकी जो हैबिट है उनको आप छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि मेरी जो रीजन कहाँ पे है कि जो मेरे काम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसको ब्लॉक आउट। मान लो घर में शोर शराबा है तो कोई ऐसा रूम चुन लीजिए जहाँ पे शोर शराबा ना हो, या फिर कोई एकांत जगह घर में या घर से बाहर हो सकती है कहीं भी, मान लो किसी का खेत है आप खेत में जा सकते हो,
वहां जाके पढ़ाई कर सकते हो, वहां अपना काम कर सकते हो। तो आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन ही है इसमें आपकी जो लाइफ में आपने जो देखी उस टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आप ब्लॉक आउट कर दीजिए। तो अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो इन चीज़ों का प्लीज फॉलो करिए। मेरे अकॉर्डिंग देखिए इससे बेटर टिप्स भी हो सकते हैं, आपके माइंड में और भी अच्छे टिप्स हो सकते हैं, उनको अप्लाई करिए। तो आई होप कि आप अगर इनको अडॉप्ट करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट जरूर समझ आएगी और आपका टाइम बचेगा और जो आप अचीवमेंट करना चाहते हैं वो 100% आप अचीव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है मैं आपसे अब लेता हूँ विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और जो वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।